अगर आपको बनाना है मोटा और चौड़ा अपने शोल्डर्स को, तो उसके लिए आपको उठाना भी बड़ा ही पड़ेगा डंबल। कैसे रबड़ी पेल रहा देखो, रबड़ी पेल रहा देख, वो कर रहा दिमाग है। होगा लड़की को देखा होगा कि उसके पीछे आप जाते हो, बार बार भागोगे, चेज करोगे, वो दूर भागेगी, किसी चीज को अट्रैक्ट करोगे अपने पास, वो और ज्यादा खींची चली आएगी। हाथी बोलते हैं, मोटा बोलते हैं, तोंदू, हाँ, ये ऐसी सब चीजें हर एक को सुनने को मिलती है। ऐसी लड़की में होता है, अगर उसके पीछे भागते रहोगे ना तो उसी के साथ डूब जाओगे और वहीं घुस जाओगे। लेकिन अगर खुद पे फोकस करोगे और उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, वो तुम्हारे पास खुद ही आएगा। हम नहीं खाते मीठा, पानी पिएगा, हम सड़ू हैं, ठीक है। और गोल्ड लेना है इस बार। क्या बात है, क्या प्यारी निकल रही है यार, भाई की फिजिक देखना, शोल्डर स्ट्रैप्स बढ़िया हो रहे हैं, मस्कुलैरिटी पूरी। आज फीलिंग आ रही है मोटा हो गया। स्टार्ट। सो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मजे में होंगे। मैं लक्ष्य भारती, आपका भाई, आपका दोस्त, और आज हम फिर एक नए जिम में हैं। आपको लगता होगा कि यार बंदा बड़ा क्रेजी टाइप का है कि हर रोज कुछ ना कुछ नई जिम ही दिखता रहता है। कल कोई और जिम था, परसों कोई और जिम था, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। मैं क्योंकि आज दूसरे, आपको पता ही है मैं देहरादून आया हूँ आजकल 3-4 दिन के लिए, तो यहाँ पर डेली के हिसाब से वर्कआउट कर रहा हूँ। तो क्योंकि अगर एक महीने की पूरी कहीं पर मेंबरशिप ले लूँगा तो कोई यूज़ नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा अलग अलग जिम में जाके कर रहा हूँ। और वेरिएशन थोड़े मिल जाते हैं तो वर्कआउट करने का मज़ा और ज़्यादा आता है। और आज सिर्फ वर्कआउट नहीं दिखाने वाला हूँ, आज शाम को मस्ती भी होगी क्योंकि आज संडे है। अब आप कह रहे होगे कि भाई संडे को कौन वर्कआउट करते हैं, हम करते हैं जी। हम आपको पहले ही कह रहे हैं कि हम संडे को भी वर्कआउट करते हैं, क्योंकि अगर कभी हफ्ते में हमारा छूट जाता है तो एक आध बार संडे को भी उसको कवर अप करना होता है, इसलिए संडे को लगा लेते हैं। और कभी कभी अगर आपके साथ पार्टनर बहुत अच्छा हो तो भी वर्कआउट करने में मज़ा आ जाता है। आज वैसे मेरा बिल्कुल मन हट गया था सुबह, थोड़ा सा मैं उठने में लेट हो गया था क्योंकि मैंने सोचा था कि 8-9 बजे के आसपास वर्कआउट करने जाऊंगा, बज गए थे 12। फिर मैंने एक भाई को बोला अपने जो मेरे साथ पहले रहते थे, विवेक भाई करके, अभी उनकी फिजिक भी दिखाऊंगा आपको, वर्कआउट भी दिखाऊंगा। भाई बड़ा क्रेजी वर्कआउट कर रहा है, भाई स्पेशल मुझे लेने आया कि चलो भैया जिम लगाएंगे, 1-1.5 घंटे का बढ़िया सेशन करके आते हैं। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि भाई मुझे नहीं करना, भाई कह रहा था नहीं, लेकिन चलेंगे, शोल्डर्स लगाओ भैया, शोल्डर्स का वर्कआउट करेंगे। तो आज शोल्डर्स का वर्कआउट कर रहे हैं। वैसे एक आधी एक्सरसाइज में कर चुका हूँ पहले, हम दोनों ने लगा लिया है, लेकिन अब पूरा आपको वर्कआउट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वरना आप थोड़े से बोर हो जाओगे कि बार बार एक ही चीज़। तो आज शाम को जो चीज़ें दिखाऊंगा वो थोड़ी सी अलग होगी क्योंकि पूरी फैमिली के साथ आज थोड़ा घूमने भी जाएंगे, डिनर होगा, क्या होगा, कहाँ जाएंगे, वो बाद में दिखाता हूँ। पहले भी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, अपना शोल्डर्स का वर्कआउट लगाते हैं बहुत क्रेजी सा। और ये फिटनेस बेस जिम करके है, मैं देहरादून में वहाँ पर आया हूँ आज, कल क्योंकि थोड़े से अलग जिम में था। आज हमारे पास सबसे बड़ी बात, सर नहीं आए हमारे, जो आदित्य भैया थे जिनके साथ पहले वर्कआउट भी डाला था, भैया थोड़ा 1-2 दिन के लिए शायद बाहर गए हुए हैं, उनसे मैंने कॉल भी करा था, लेकिन कोई नहीं, आज लगाते हैं वर्कआउट, थोड़ा सा हैवी चलाएंगे और फटाफट से इसको निपटाएंगे क्योंकि संडे है, पापा का भी फोन आ गया, तो चलते हैं घर पर फटाफट से वर्कआउट लगा के, लेट्स गो। Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain. तो भाई ये है हमारे विवेक भाई, इनके साथ आज का वर्कआउट लगा रहे हैं हम। और वर्कआउट का जो आज शेड्यूल है भाई के हिसाब से है थोड़ा सा, क्योंकि कटिंग के टाइप का है, थोड़ा भाई लीन बल्किंग टाइप कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इंटेंसिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और रेपिटेशन रेंज थोड़े से कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हैवी नहीं जाना, हमें हैवी भी लगा रहे हैं बीच बीच में, थोड़ा सा इंटेंसिटी के साथ भी, लेकिन आज भाई को क्रेजी पंप देके जाना है क्योंकि आप देख रहे होंगे भाई की बॉडी थोड़ी प्यारी सी हो रखी है, मेरी तो इतनी ज़्यादा अभी नॉर्मल सी ही है। तो अभी भाई से पूछते हैं कि भाई ने थोड़ा सा इनको कहाँ से वो आया, इंस्पिरेशन टाइप होता है ना कि भाई अब स्टार्ट करना है, कुछ करना है। तो विवेक भाई आपने शुरू कैसे करा, जैसे पैड टू फिट हुआ आपने बताया था, तो ऐसे कहाँ से मिला था कि यार, जैसे पतले लड़कों को तो ये मिलता है कि लोग गालियाँ बहुत देते हैं, तो आपका क्या इंस्पिरेशन रहा स्टार्टिंग में? जैसे ये था कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा मोटा रहा हूँ और उल्टे सीधे खाने का आदत था मुझे,
तो पेट मेरा बहुत ज्यादा निकला हुआ था, बॉडी स्किनी थी लेकिन पेट बाहर निकला हुआ था, तो अच्छा नहीं लगता था, गाल वाल भी एकदम फूला फूला सा। तो इस वजह से मैंने मेरे को काफी लोग डिमोटिवेट करते थे, उल्टा सीधा बोलते थे। तो फिर मैंने एक दिन डिसाइड करा कि नहीं, अब चेंज होना है। तब से मैंने फिर स्टार्ट कर दिया और अभी फैट से फिट हुआ हूँ। अभी भी है फैट बट धीरे धीरे हो रहा है। हाँ तो भाई सबसे बढ़िया चीज है, तो मैं यही बताता हूँ हर वीडियो का, जो चैनल का मोटिव यही रखता हूँ कि भाई उससे थोड़ा सा कुछ सीख के ना अपने आप को इम्प्रूव करा करो। कि जैसे लोग तुम्हें गालियां दे रहे होंगे, फेलियर्स बोल रहे होंगे, जैसे बहुत पतले लड़के होते हैं ना उनको तो बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि भाई कुछ खा लिया कर, मरीज जैसा लगता है, कुपोषण का शिकार लगता है। मोटे लड़के को और कुछ अलग टाइप का बोलते हैं, लेकिन उन लोगों को देख के इंस्पिरेशन लो कि भाई वो बंदा घर से उठ के जा रहा है। हाँ हर एक बंदे को बोलते हैं भाई, हाथी बोलते हैं, मोटा बोलते हैं, तोंदू, ये ऐसी सब चीजें हर एक को सुनने को मिलती है। लेकिन अगर तुम इसको पॉजिटिविटी में ले जाओगे और कोशिश करोगे कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को बेटर बनाना है, वो बहुत बढ़िया चीज है। और मुझे तो ज्यादातर बेटर ये लगता है कि जिम्स में जब जाता हूँ ना, बॉडी बिल्डर से ज्यादा देख के मुझे ऐसे लड़कों को मोटिवेशन लगता है, इंस्पिरेशन मिलता है कि भाई पतला लड़का घर से उठ के आया और वर्कआउट करने के लिए कि मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ, या मोटा लड़का घर से उठ के आया। बॉडी बिल्डर तो यार इतने टाइम से कर रहा है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंट है ही है, जो ताने सुन के खड़ा हो रहा ना वो सबसे बढ़िया लड़का है और उसी को देख के मजा आता है। तो आज इसी टाइप का वर्कआउट हम विवेक भाई के साथ लगा रहे हैं। तो जैसे तुमने हल्का सा शुरू करा था, अब तो बिल्कुल ही प्रोफेशनल टाइप का हो गया कि अभी शोल्डर्स भी निकालने हैं, बढ़िया फिजिक बनानी है, तो उसका क्या आया? सोच रहा हूँ कि गेम खेलूंगा। अच्छा। हाँ तो अभी उसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। और गोल्ड लेना है इस बार। क्या बात है भाई, तो हल्के हल्के करके बम फोड़ रहे हैं कि अभी हमें गोल्ड भी लेना है, अभी आगे बॉडी बिल्डिंग भी करनी है। तो चले वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलो कंटिन्यू करते हैं वर्कआउट। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लगा रहे हैं, फ्रंट रेजेस लगा रहे हैं। फ्रंट रेजेस में क्या लोग करते हैं कि कभी कभी ना कोई बंदा अल्टरनेट कर्ल मारता है। मेरे को क्या बेटर लगता है कि सिंगल सिंगल एंड मारना। जैसे अगर आपको एक सेट में 16 रेपिटेशंस मारने हैं, 8 एक बार इस हाथ से मारो, फिर 8 मारो, फिर 8 मारो, फिर 8 मारो, तो इस तरीके से मारोगे ना मोमेंटम बना रहेगा मसल के अंदर। और जब हैवी लेते हो तो उसमें अल्टरनेट भी लगा सकते हो। ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन है। कभी कभी हमें मारना पड़ता है इंक्लाइन बेंच पे, कभी हम स्ट्रेट वाले मारते हैं, कभी थोड़ा कर्ल मारते हैं। और जैसे ही आप कोई डंबल की एक्सरसाइज करते हो ना, उसको ऐसे समझो कि आपके हाथ में ना कोई बॉटल है और उसको आप दूर थ्रो कर रहे हो। जैसे आपने एक पानी की बॉटल यहाँ पर पकड़ी, अब उसको आप दूर कैसे फेंकोगे, उस तरीके से आप डंबल को आगे की तरफ रेस करो। जैसे रेस करोगे ना आपका यहाँ पर मोमेंटम बढ़ जाएगा जो फ्रंट के लिए, क्योंकि इसी मेन पार्ट के लिए आपको इसको हिट करना है। तो इसको इस तरीके से पकड़ो कि आप आगे की तरफ फेंक रहे हो किसी चीज़ को। आप खुद देखोगे आपको रिजल्ट बहुत प्यारा मिलना शुरू हो जाएगा और इसका मोमेंटम बहुत बढ़िया आएगा। तो उसी चीज़ पे हम फोकस करते हैं। अभी हम लगाएंगे अगली एक्सरसाइज, एक आधी और लगाएंगे, पूरा वर्कआउट नहीं दिखाऊंगा, पहले बहुत सारे डले में वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो भाई चलते हैं अपने अगले सेट पर। अगर आपको बनाना है मोटा और चौड़ा अपने शोल्डर्स को, तो उस उसके लिए आपको उठाना भी बड़ा ही पड़ेगा डंबल। तो डंबल बड़ा उठाओ और शोल्डर को मोटा करो, हैवी चलाते हैं थोड़ा सा। चलो और थोड़ा सा भाई डंबल स्विंग होता है ना हैवी जब उठाते हो, दिक्कत मत माना करो। बहुत ज्यादा लोग ये बोलते हैं कि स्टिफ रहो, यहीं से उठाओ, ऐसा उठाओ। अरे भाई जब तुम हैवी वेट उठाओगे ना, तो थोड़ा सा तुम्हारा बॉडी हिलेगी भी, आगे पीछे भी जाएगी, तो मसल लेकिन उसी से ग्रो होगा। कई लोग इसमें मजाक भी बनाते कि भाई सारा तो बॉडी हिल रही है, वेट चल गया रहा होगा, कहाँ आ रहा होगा। थोड़ा बहुत चलता है भाई, हैवी मारोगे तो चलाओ इतना। आज फीलिंग आ रही है मोटा हो गया, शोल्डर्स बढ़िया गोल गोल। बाप आएगा जो हमारे साथ, भाई का भी मोटा कर देंगे पूरा शोल्डर्स। चलो बढ़िया,
यस बहुत बढ़िया खींच के एकदम यस देखा भाई इसी के तरीके से मारना है तुम्हें डंबल ऐसे करना है कि कुछ चीज पकड़ रहे हो और दूर फेंक रहे हो जैसे होता है ना एकदम कोई चीज बाहर आती है हवा में एकदम से बाहर उड़ जाती है आगे की तरफ अब अगर तुम कनेक्ट कर पाओगे उससे तो तुम्हें पता चलेगा लड़कों को डन एक भाई कनेक्ट कर लेंगे कि कोई चीज तेजी से बाहर कैसे उड़ती है आगे बिल्कुल और भाई साहब भाई ने तो मजे कर दिए देखो क्या प्यारी निकल रही है यार भाई की फिजिक देखना शोल्डर स्ट्रैप्स बढ़िया हो रहे हैं बस क्लैरिटी पूरी एक ये बोला डबल बाइसेप यस बढ़िया भाई भाई की बदौलत आज मेरा वर्कआउट हो गया वरना मैं तो आ ही नहीं रहा था भाई स्पेशल लेने आया मुझे भाई मजा आ रहा है वर्कआउट करने में आज बिल्कुल मजा आ रहा है ना पूरा बहुत चलो यस तो नेक्स्ट जो हम लगाने वाले हैं वो लगाएंगे पेसफुल रोप से और साथ में सुपर सेट होगा किसके साथ हमारा अपराइट रोइंग के साथ जो केबल पे होगी दोनों इस चीज को आप ऐसे समझो कि आपको ना हाथ को स्टिक रखना है और पीछे की तरफ खींचना है जैसे कोई भी चीज होती है उसको अगर आप अट्रैक्ट करते हो तो वो आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाती है जैसे आपने देखा होगा लड़की को देखा होगा कि उसके पीछे आप जाते हो बार बार भागोगे चेज करोगे वो दूर भागेगी किसी चीज को अट्रैक्ट करोगे अपने पास वो और ज्यादा खींची चली आएगी तो हमें इसमें भी वही करना है इसको अगर आप अपने पास क्लोज लेके आओगे ये आपके पास बड़े प्यार से आएगी पीछे छोड़ दोगे तो खुद भी उसके साथ ही घुस जाओगे ऐसी लड़की में होता है अगर उसके पीछे भागते रहोगे ना तो उसी के साथ डूब जाओगे और वहीं घुस जाओगे लेकिन अगर खुद पे फोकस करोगे और उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे वो तुम्हारे पास खुद ही आएगी तो उस चीज पे ज्यादा फोकस करना इसको उसी एग्जांपल से समझो जैसे बिल्ली भी होती है बिल्ली के पीछे भागते रहो वो छुपती रहेगी वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी दूध रख दो कहीं पे वो अपने आप आ जाएगी तो वो चीज पे फोकस करो तो लगाते हैं इसका सेट एग्जांपल थोड़ा सा चीजी सा हो गया लेकिन तुम्हें समझाने के लिए यही चाहिए अपने को चलो देखो कितने प्यार से आ रही है अब अगर इसमें आगे छोड़ दूंगा मैं भी इसी के साथ घुस जाऊंगा अप इसमें आपको कुछ नहीं करना नॉर्मल वाइड ग्रिप रखना और उठा लेना ऊपर की तरफ रॉड को कोशिश करना ये आपके जितनी पास होनी चाहिए ये ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए जितनी पास होगी जितना फ्रीली इस चीज को ऊपर उठा पाओगे अपने साथ क्लोज रख के उतना अच्छा कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा तुम्हारा उसके साथ रॉड के साथ अप अप Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way.
तो हमारा वर्कआउट वगैरह सब कुछ पूरा हो गया था, आराम से घर आए थे। उसके बाद हमारी मील वगैरह पूरी हो गई और अभी हम आए हैं गुरुद्वारे सब जाने। वैसे तो हो गया है, अब हम घर जा रहे हैं। उसके बाद सब रेडी हो चुके हैं। तुम्हारा भाई हमेशा की तरह ब्लैक शर्ट में सेक्सी लग रहा है। तो अभी गुरुद्वारे से होके आए हैं, मत्था टेक लिया, क्योंकि एक मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जाना चाहिए गुरुद्वारा मंदिर या कहीं पर भी। सिर्फ एक दो मिनट का मत्था भी टेकोगे तो एक्चुअल में बहुत अच्छा होता है। तो क्योंकि वहाँ पे अगर आप 5 मिनट बैठोगे भी तो बहुत सुकून मिलता है, तो जाना चाहिए भाई, मुझे तो अच्छा लगता है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा परमानेंट जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन जाता रहता हूँ, ट्राई करता हूँ कि जब टाइम मिल जाता है या 5-10 मिनट के लिए खुद निकाल लेता हूँ उस चीज़ के लिए और चला जाता हूँ। वैसे हमारी भाभी हैं प्रॉपर गुरुद्वारे से जुड़ी हुई, तो उन्हीं के साथ आ गए थे आज, क्योंकि घर के बिल्कुल पीछे गली में ही पड़ता है, मेरी गली के पीछे भी बहुत अच्छा गुरुद्वारा पड़ता है वहाँ सहारनपुर में। तो अभी हम यहाँ से हो चुके हैं और उसके बाद अभी हम घर चलते हैं, सारे जाने रेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद हम निकलते हैं अपना कहीं घूमने के लिए, जहाँ भी जाएंगे मार्केट वगैरह, फिर रात को जो भी डिनर वगैरह करना होगा। तो चलते हैं पटा। ये भाई बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, ये कह रहे थे कि हमें भी व्लॉग में आना है। कुछ बोलना, लो बोल दो छोटा सा। चलो पब्लिक को हाय कर दो। ये लो हेलो, बड़े क्यूट से लग रहे हैं यार, बैडमिंटन खेल रहे हैं। हेलो तो कर दे। हेलो, चलो जी चलते हैं। ये रहे दोनों गुड्डे, ये तैयार खड़ा हुआ है, देखो इवान को देखो। अब तो झंड होने वाली है, इसके बाल सारे जाने वाले हैं, बहुत घूम ले, बहुत बड़े बाल लेके जाने वाले हैं सब। 2-4 दिन की बात है, मुश्किल से सब उड़ जाएंगे तेरे बाल, गंजा हो जाएगा ये। ये इनको पहली बार देखा होगा आपने, बाकियों से सबसे मिलाया हुआ मैंने। हाय कर दो। हाय। ये इससे तो मिले हुए सुहानी से, इसने तो पहले बहुत बड़ा कुछ बोला था ना लास्ट टाइम, हाँ याद है। हाँ लेट जा, पूरा फैल जा, चल फटाफट चल, तैयार हुआ पड़ा पूरा जीन्स जूंस पहन के। माइक नहीं मिलेगा, तुम लड़ते रहते हो माइकों के लिए, नहीं अब बाजार में मिलेंगे जो मिलेगा। नहीं खा जाएगा पकड़ के। हाय कर दे। हाय करियो। सबसे मस्त तो चोटी है इसकी, आज एक बनाई हुई है, दो बनाती है वैसे ये। किट्टू इसे दिखाओ, इसे 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 दिखाओ, कैसे रबड़ी पेल रहा, देखो रबड़ी पेल रहा, देख वो करा दे पा। इसे खिलाओ, इसे तू भी खा ले कुछ। हम नहीं खाते मीठा। बा पानी पिएगा, हम सड़ू हैं, हम सड़ू हैं। ये देख, ये मेरा मस्त मौला बोला बोले खा जा, कितना मजा आ रहा है, इसे चटकोरे ले लेके खा रहा। तो ये सबका चल रहा है डिनर, डिनर हो गया, मीठे पे आ गए सब, आनंदम पे आए हुए थे। और ये देखो, ओ ये देख, ये देख देख सामने, देख 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 कहाँ खोया पड़ा है। हम खाएंगे घर जाके ब्रेड ऑमलेट, ये देख। हाय कर दे, फोन में घुस जा पूरा। हाँ ये देख, फोन चाहिए इसको, ऐसे कैसे घुमा रहा है वो, सामने देख ना, वो देख देख सामने कितना क्यूट लग रहा है तू, ये देख। हमारे भाई की चेस्ट सब बढ़िया लग रही है आज। अच्छा तेरे हाथ में कुछ नहीं आज खाने के लिए, बहुत खाती। सब फ्री हो गई खा के, अब सिर्फ फोन चलाना रह गया। चल भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा। इसे देख के इवान सड़ रहा है, देख इसका बड़ा मन हो रहा जाने का। ए चलना, कह रहा गाइस गाइस को छोड़ो यहाँ लेके चलो। कितना खुश है ये जाके, नाश्ता फिर रहा। दीदी आ गई, दीदी दीदी आ गई। तो गाइस अभी हम घर आ चुके हैं और अब हम अपनी मील खा रहे हैं, सब तैयार भी होके, सब कपड़े कपड़े चेंज करके मैं आराम से बैठी हूँ। सब ऊपर जाके सो चुके हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चों का तो सोने का टाइम हो गया, टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 11-12 बज गए। और आज मील भी बहुत ज़्यादा नहीं खा पाया, एक तो सुबह उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था और फिर जिम में जाने में 2-3 घंटे लग गए, फिर आके बाहर चले गए थे, तो कुछ बहुत ज़्यादा डाइट का आज मैनेज नहीं हुआ। लेकिन कोई नहीं, कभी कभी चलता है, क्योंकि घर वालों ने तो सबने आनंदम पे वही खा लिया था, फलूदा वगैरह और सारी चीज़ें। आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा वैसे भी बाहर का खाता नहीं हूँ, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा मन करता ही नहीं है। पहले करता था कभी कभी की टेस्ट कर लिया, या कभी अब भी मन करता तो खा लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज मन नहीं था, क्योंकि वो डोसा वगैरह वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं, इसलिए मैं खाता नहीं हूँ।
तो साथ में अभी हमारा ये चल रहा है, ये है ब्रेड, चार ब्रेड लिए, पीनट बटर लगाया और उसके बाद चीज़ ऑमलेट है साथ में। चीज़ मैं खा लेता हूँ, चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ऑमलेट में मैं अगर डालता हूँ तो मुझे लगता है गेनिंग टाइम पे बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रही है। तो अभी इस मील को खाएंगे और इस मील के बाद आज की कोई मील नहीं होगी, आराम से पढ़ के बुक वगैरह पढ़ूंगा, कुछ भी जो भी चीज़ करूँगा, तो इसके बाद ख़त्म। आज से थोड़ी सी मील ऐसी होगी ऑन ऑफ, लेकिन अब कल बढ़िया हो जाएगी, कल क्योंकि चेस्ट वर्कआउट निकालेंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में ऐसे ही, बाय, टेक केयर।